दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 94 नए केस, 7 मरीजों की मौत। सीएम केजरीवाल की पीएम मोदी से मांग, इस साल भारत रत्न डॉक्टरों को भी दिया जाए। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, सतपाल महाराज और धन सिंह रावत समेत 11 विधायक बने मंत्री। मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर 22 जुलाई से प्रदर्शन करेंगे किसान, किसान मोर्चा का ऐलान। सेना प्रमुख 5 से 8 जुलाई तक यूके और इटली के दौरे पर रहेंगे, रक्षा सहयोग बढ़ाना यात्रा का है लक्ष्य। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं यूपी के खास बुलेटिन की। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे, इस दौरान उन्होंने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं एक्सप्रेसवे के किनारे पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की, इसके बाद उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। वहीं सूबे के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बछरावा स्थित सीएससी का निरीक्षण किया और साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहे वैक्सीनेशन का भी जायजा लिया। वहीं इसके साथ साथ कई नेताओं ने मिलकर वृक्षारोपण भी किया है। चार जुलाई के दिन तो पर्यावरण दिवस 5 को है, लेकिन आज 4 जुलाई को पूरे प्रदेश में 25 करोड़ का लक्ष्य। वहीं अलीगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा के कब्जे के बाद सियासी गलियारों में गर्माहट तेज हो गई है। सियासी का पाला पलटने के बाद भाजपा को एक बार फिर संजीवनी मिल गई है। बेशक भाजपा के जिला पंचायत सदस्य के कद्दावर प्रत्याशियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन फिर भी भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बाजी मारने में कामयाब रही। यही कारण है कि पूर्व सांसद विजेंद्र चौधरी के द्वारा एक प्रेस वार्ता करते हुए जमकर भाजपा पर तंज कसे गए और भाजपा पर सत्ता के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया गया है। देखिए, जिला पंचायतों के परिणाम के संबंध में मुझे कुछ विचार देने थे आपके माध्यम से अपनी जनता की अदालत में। दुर्भाग्य है, जो पार्टी लोकतंत्र में मूल्यों की दुहाई देती थी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी कहते कहते थकते रहे थे कि हम तो महान आत्मा है, महात्मा है, हमारा क्या है, लेकिन इन पंचायतों के चुनाव में धनबल और सत्ता के दुरुपयोग की पराकाष्ठा भी टूट गई है। उदाहरण के तौर पर अलीगढ़ है, आम जनता ने 9 सदस्य। वहीं लखीमपुर खीरी में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत जिले में वृक्षारोपण कराया गया। जनपद के कई क्षेत्रों में विभिन्न किस्मों के 67 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण अभियान के तहत मंडल कमिश्नर रंजन कुमार ने राष्ट्रीय कृषि बीज केंद्र जमुनाबाद फार्म में महिला समूह के साथ पौधारोपण किया है। रंजन कुमार ने सभी जिले वासियों से आग्रह करते हुए कहा है कि सभी को वृक्षारोपण करना चाहिए। आज 67 लाख एक साथ लगाए जा रहे हैं और इसमें वन विभाग नॉर्थ और साउथ दो भाग में बंटा है, बाकी लगभग 2 दर्जन विभाग को भी लक्ष्य दिया गया है। उसमें ग्राम विकास विभाग काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहा है, कृषि विभाग है और पंचायती राज विभाग, उद्यान विभाग, सभी को लक्ष्य मिला है और सब ने पूरी सफलतापूर्वक उसको पूरा कर लिया। नर्सरी से उठान करके वृक्षारोपण पूरी 100% पूरा कर रहे हैं और इसका, जैसे आप जानते हैं कि हम लोग के जीवन के अस्तित्व के लिए पूरे शुद्ध वातावरण की ज़रूरत है और हम लोग शुरुआत से ही जीवन जब से आया है हम लोग निर्भर हैं प्रकृति पे।
वहीं सीतापुर में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसके तहत 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सरकारी विभाग इस पौधारोपण को जन आंदोलन के रूप में साकार करने में लगा है। जगह जगह जन प्रतिनिधियों और सरकारी अफसरों द्वारा पौधारोपण कर आम जनमानस को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामकृष्ण भार्गव रहे हैं। वन महोत्सव जो कार्यक्रम चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, योगी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, सब लोगों की इच्छा है हमारा देश प्रदेश गांव हरे भरे रहें। और ये जो आप देखते हैं आए दिन बीमारियां आ रही हैं, वृक्ष लगेंगे, पेड़ लगेंगे तो बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी लोगों को, हवा मिलेगी। और वहीं सहारनपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 30,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें दिल्ली रोड स्थित पैरामाउंट में 5,000 पेड़ लगाए गए, साथ ही अंबाला रोड स्थित सागर रत्ना में भी पौधारोपण किया गया। पौधारोपण के दौरान पूर्व बीजेपी विधायक राजीव गुंबर और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मौजूद रहे। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों का लक्ष्य आज सहारनपुर विकास प्राधिकरण का 20,000 पौधे लगाने का है। उसमें हम लोगों ने 5,000 पौधे पैरामाउंट कॉलोनी में और ये सुपरस्टार होटल है जो आज यहाँ पर वृक्षारोपण किया है, और कुल मिलाकर के हम लोग 10 मियांवाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं, उसमें लगभग 15,000 पौधे हम लोग उसमें लगाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि पूरे आज के दिन पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसी के तहत सहारनपुर में भी वृक्षारोपण किया गया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आज एक विशेष वृक्षारोपण का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसके निमित्त आज पूरे सहारनपुर महानगर में भी अनेकों स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में सहारनपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा और ये सुपर स्टार होटल के द्वारा यहाँ वहीं वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 के उपलक्ष्य में रामपुर में भी वृक्षारोपण किया गया। प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, जिले के नोडल अधिकारी, डीएम, एसपी, सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया और अलग अलग प्रजाति के पेड़ लगाए। डीएम ने बताया कि हमने मुख्य रूप से उन जगहों को वृक्षारोपण के लिए चुना है जहां प्रशासन द्वारा अवैध कब्जा हटवा कर जमीन खाली करवाई गई थी। जिले में 19 जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है और करीब 25 लाख पेड़ लगाने का हमारा लक्ष्य है। बढ़ते अगली खबर की ओर, लखनऊ में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वृहद वृक्षारोपण के माध्यम से लखनऊ में 25 लाख पौधे लगाए गए। आपको बता दें कि एक सप्ताह में लखनऊ को 30 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने वृक्षारोपण किया है। देखिए, आप अवगत है कि शासन के निर्देशों में इस पूरे एक हफ्ते को विशेष वृक्षारोपण हफ्ते के रूप में मनाया जा रहा है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक आज 4 जुलाई को विशेष वृक्षारोपण दिवस के दिन पूरे जनपद में 25 लाख से अधिक पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें हर प्रकार के हम लोग पौधे लगा रहे हैं। औषधीय पेड़ भी हैं जिसमें फलदार पेड़ भी हैं। वहीं हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर पर अलर्ट जारी हो गया है। हरदोई में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गई है। वहीं विधायक निधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने हरदोई के अहिरोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट की प्रगति का निरीक्षण किया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है कि हम लोगों को कोविड की संभावित तीसरी लहर से पहले जनपद स्तर पर समस्त व्यवस्थाएं करानी है। उसके लिए एहरोरी ब्लॉक में माननीय विधायक श्री प्रभाष कुमार जी की निधि से यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुआ है। उसी के क्रम में यहाँ पे सिविल वर्क्स का काम कम्प्लीट हो चुका है और हम लोगों ने पाइपलाइन का काम भी कम्प्लीट कर लिया है। संभवतः एक हफ्ते या दो हफ्ते के अंदर प्लांट आ जाएगा, तो मात्र केवल प्लांट इंस्टॉल करके इसको क्रियाशील करने की बात है। तो हमें उम्मीद है कि हम जुलाई में। वहीं बदायूं के थाना उसहैत में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां थाना प्रभारी चेतराम वर्मा सहित समस्त स्टाफ ने वृक्षारोपण किया।
वहीं इस कार्यक्रम के दौरान थाना अध्यक्ष चेतराम वर्मा उस हैत ने बताया कि क्यों ना हम सब मिलकर संकल्प ले और हम अपने आसपास एक पेड़ अवश्य लगाएं। वहीं हमीरपुर में मामूली विवाद के चलते पुलिस से शिकायत करना भारी पड़ गया। पुलिस से शिकायत के चलते नाराज दबंगों ने घर में घुसकर पीड़ित को गोली मार दी। फायरिंग करते हुए दबंगों ने परिजनों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित को गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राठ में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर तीनों परिजनों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आपको बता दें कि दबंगों से पहले कहा सुनी होने पर पीड़ित के द्वारा डायल 112 पर शिकायत करने से दबंग नाराज हो गए थे। रीता को सुना और कल रात से थोड़ी लड़ाई हुई थी चाचा से, तो उसी पे बहस हुई। जब चाचा ने सोना मतलब कॉल पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाने के बाद वो लोग गुस्सा हो गए कि पुलिस क्यों बुलाई। उसकी वजह से फिर पुलिस 10 मिनट जाने के बाद 10 मिनट बाद दोबारा आए घर पे और गेट पे जोर जोर से खटखटाया कि गेट खोलो। गेट ना खोलने पर वो बाड़ी तोड़ के आ गए और बाड़ी तोड़ने के बाद दादा दादी लेटे थे और दादा दादी वहाँ तक जा नहीं पाए, उन पर हमला कर दिया। फिर यहाँ से पापा चाचा चाची मम्मी भैया सब लोग गए तो वापस मारा और छोटे बड़े भैया को गोली लग गई। तीन फायर करी, दो फायर। ये घटना जो रात में करीब 12 बजे के आसपास हुई है और इसमें मजरूह जो है श्री जयराम है, इनको कस्बे के ही कुछ लड़के थे जिनके करीब संख्या 7 और 8 के करीब है, इन्होंने इनके गले में गोली मार करके इनको घायल कर दिया है। इनको तत्काल बेहतर उपचार के लिए झांसी जो है रेफर किया गया और इनका इलाज जो है वहाँ झांसी। वहीं देश में वैक्सीनेशन को काफी तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है। वैक्सीनेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। वैक्सीन को लेकर लोगों का भ्रम दूर करने के लिए अपील की जा रही है। हरदोई में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ऐसा मामला सामने आया है जो आपको हैरत में डाल सकता है। दरअसल यहां एक बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन लगने के बाद महिला को पैरालाइज्ड हाथ पूरी तरह से ठीक होने का दावा किया जा रहा है। परिजनों ने इस बात की जानकारी जब डॉक्टरों को दी तो वो भी हैरान रह गए। फिलहाल बुजुर्ग महिला के ठीक होने से उसके परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हैं। हम अपनी माता जी का इलाज कम से कम 4 साल से करा रहे हैं लखनऊ से, कहीं लखनऊ कराया, कहीं बरेली कराया, कहीं हरदोई कराया, क्योंकि कोई फायदा ही नहीं हुआ। थकते हम लोग जो है चुपचाप बैठ गए। जब मेरी माता जी का पहला वैक्सीन लगा था तो लगने के बाद जो है 10-15 दिन के बाद उनको कुछ हाथ में हरकत महसूस हुई, थोड़ा सा हाथ उठा। जब मैंने दूसरी वैक्सीन लगवाई, सहारनपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। थाना मिर्जापुर इलाके के जाटोवाला में क्रशर व्यापारी के आवास पर हुई लूट में शामिल 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध असलाह और नकदी भी बरामद की है। हमीरपुर में लुटेरों के हौसले बुलंद हैं। लुटेरे दिन दहाड़े बैंक जा रही युवती से 1,40,000 की लूट पर मौके से फरार हो गए हैं। आपको बता दें कि युवती रुपए जमा करने थैले में लेकर बैंक जा रही थी। वहीं मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुट गई है। सीओ सदर ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वहीं शाहजहांपुर में दिल्ली से लौट रहे खुटान निवासी समेत 3 की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में मासूम भाई बहन समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं रायबरेली में वायुसेना में तैनात सैनिक की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। आपको बता दें कि तैनात मृतक अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे, तभी जम्मू में स्थित बान टोल प्लाजा के पास बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें वायुसेना के 3 कर्मचारी घायल हो गए। वहीं घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित किया है।
तो रायबरेली से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जम्मू में स्थित बान टोल प्लाजा के पास बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें वायुसेना के 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनमें से एक को मृत घोषित कर दिया है। आजमगढ़ के सराय मीर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से चोरी किए गए 10 मोटर पंप, 4 एम्पलीफायर मशीन और तमंचा भी बरामद किए हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।